हेलो एवरीवन, महेश दिस साइड एंड यू वाचिंग मी ऑन एंटरप्रेन्योर रेस्टोरेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एबिलिटी की जो हमारे अंदर होनी चाहिए किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए, राइट। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, जो हमारे अंदर होनी चाहिए कहीं भी किसी भी मोड में किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए। अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो ना ही यह हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम सिखाती है और ना ही हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हम समय के साथ इसे सीख लेते हैं। अगर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमें सिर्फ यहाँ तीन चीज़ें सिखाई जाती है, जो कि पहला है स्टडी अलॉट, कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। दूसरा है गेट अ गुड मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ। तीसरा है डू ए जॉब, आप कहीं भी जॉब करो, अच्छा जॉब करो, राइट। कहीं ना कहीं यह हमारे पेरेंट्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ही है जो हमें एकमात्र उच्चतम शिक्षा दिला सकती है, राइट, एक अच्छे मुकाम दे सकती है। बट ऐसा नहीं है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी भी फील्ड में एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए, दक्षता प्राप्त करने के लिए अगर एक सीमित समय देते हैं अपने बच्चों को, तो यह पेरेंट्स की मूर्खता नहीं बुद्धिमत्ता है, क्योंकि आगे चल के कभी भी बच्चे अपने पेरेंट्स को ये जाहिर नहीं कर पाएंगे कि उन्हें एक डिज़ायरेबल मौका नहीं दिया कुछ करने को, राइट। कभी अफसोस नहीं करेंगे कि उनके हाथ से सुनहरा मौका चला गया। सो आप उन्हें वो चीज़ करने दो जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि अंत में उनकी रिज़ल्ट ही आपको ये बताएगी कि वो सही डायरेक्शन में है या गलत डायरेक्शन में, और उन्हें भी ये एनालाइज हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें बताती है कि आप किस तरह अपनी पैसे को मैनेज करते हो, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए किस तरह से आप अपने हर एक ज़रूरत को पूरा कर सकते हो एक ही पैसे से, जिससे आपकी हर ज़रूरत पूरी हो। और यह भी बताती है कि आप अपने ज्ञान के बलबूते किस तरह अपने पैसे का सही उपयोग करोगे और समझदारी पूर्वक किस कामों के लिए उसका उपयोग करोगे जो आगे चल के आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो दुनिया की सबसे इजी टू अंडरस्टैंड बुक, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, अगर हम उसे पढ़ें तो हमें रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो हम लाइफ में ज़्यादातर फेस करते हैं, राइट। रिच डैड पुअर डैड किताब में मैंने दो चीज़ सीखा जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। यहाँ मैंने ये सीखा कि एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज़ क्या है। हम समझते हैं कि अभी एसेट्स क्या है। एसेट्स वो चीज़ है जो आपके जेब में पैसा डाले, राइट। आप कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो वहाँ से पैसा आ रहा है। सपोज़ दैट आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उस बिज़नेस से आपका पैसा आ रहा, तो आपका एसेट हो गया। अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ वो चीज़ है जो आपके जेब से पैसा निकाले। सपोज़ दैट आप दिखावे के लिए एक महंगी कार खरीदते हो या कोई महंगी स्मार्टफोन खरीदते हो, तो ये एक लाइबिलिटीज़ हो गई। अभी हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सबसे रिलेट है, राइट, हम सबसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल के ज़माने में एक अच्छा खासा जॉब किसको नहीं चाहिए। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो एक अच्छा जॉब पाते भी हैं और कोई नहीं भी पाते हैं। मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों के बारे में जिन्हें जॉब नहीं मिलता है। ऐसे कई लोग हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कोई प्राइवेट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगा जिन्हें जॉब नहीं मिलता है। आप सोचोगे माइट भी वही लोग होंगे जो अपने पढ़ाई के प्रति अच्छा डेडिकेशन नहीं देते हैं, राइट, जो फोकस नहीं है अपने पढ़ाई के प्रति, या आप बोल सकते हो कि जो अपने पढ़ाई को 100% नहीं देते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली वही चीज़ें हैं, मैं भी वही कहता हूँ। बट यहाँ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा जो उनको ये समझना चाहिए, वो यह कि अगर कोई स्टूडेंट द्वारा ऑप्टेन मार्क प्रीवियस एग्जाम्स के मार्क्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए, राइट, अगर उन्होंने 10-15 अटेम्प्ट के बाद भी उनका मार्क डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता जाए तो उसे एग्ज़ाम क्विट कर देना चाहिए। मुझे पता है ये बहुत कड़वी बात है, बट ये सच है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट, जो हम सब नहीं करते हैं, जिसके चलते हम अपना वैल्यू ऑफ टाइम को नहीं समझ पाते हैं और अपना कॉस्टली टाइम गवा देते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं एग्ज़ाम ना क्विट करने की बात करूं, तो एग्ज़ाम आपको तब नहीं क्विट करना चाहिए जब आपके द्वारा ऑप्टेन मार्क्स
प्रीवियस एपियर के मार्क्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता हो, राइट। भले ही आपका इंक्रीमेंट 5 अटेम्प्ट या 10 अटेम्प्ट में आए, बट आना चाहिए। सो आपको वहाँ क्विट नहीं करना चाहिए। अंततः मैं जाते जाते ऐसी दो बुक्स बताना चाहूँगा जो आपके फाइनेंशियल लिटरेसी को मार दे सकती है। सो पहला है आपका रिच डैड पुअर डैड, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखा गया है। दूसरा है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है। और मैं साथ ही ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तैयारी कर रहे हो ना, तो आप अपनी एबिलिटी बढ़ाओ उस जॉब के लिए। आप अपनी स्पेशलिटी बढ़ाओ उस जॉब को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दो ताकि आप उस जॉब को पा सको। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।